प्रिया, चलिए जानते हैं बिहार की 25 खबरों के बारे में। रेलवे स्टेशन पर अब होटल बुकिंग करना हुआ आसान। पटना जंक्शन, दानापुर, पाटलिपुत्र व राजेंद्र नगर रेलवे स्टेशन पर अब जल्द ही होटल बुकिंग की सुविधा ओयो काउंटर से प्राप्त होगी। काउंटर पर कर्मियों के द्वारा कमरे की बुकिंग के साथ ही स्टेशन से दूरी और वाहनों का किराया भी बताया जाएगा। देश भर में अब खुलेंगे 75 मेडिकल कॉलेज। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट बैठक में देश भर में 75 मेडिकल कॉलेज अगले 3 वर्षों में खोले जाने पर मोहर लगी है और इसके लिए 24,375 करोड़ रुपए स्वीकृत किए गए हैं। 3,743 पदों पर होने वाली है SC/ST विभागों में भर्ती। जाति एवं अनुसूचित जनजाति कल्याण विभाग के मंत्री रमेश ऋषिदेव ने प्रेस कॉन्फ्रेंस के द्वारा जानकारी दी है कि इसमें 2,244 शैक्षणिक पद एवं 1,499 गैर शैक्षणिक पदों पर नियुक्ति की जाएगी। मार्च 2020 तक कुल 3,743 पदों पर बहाली होगी। 8 विश्वविद्यालयों के कुलपति की हुई बैठक। महामहिम राज्यपाल श्री फागू चौहान की अध्यक्षता में राज्य के 8 विश्वविद्यालयों के कुलपतियों की बैठक हुई, जिसमें पूर्व निलंबित परीक्षाओं को जल्द पूरा करने और नए सत्रों को नियमित रूप से संचालित करने के मुद्दों पर विचार किया। बेहतर कार्य के लिए सम्मानित हुआ अजय। बक्सर जिला के रहने वाले अजय रॉय को बेहतर कार्य के लिए इंद्रप्रस्थ एजुकेशनल रिसर्च एंड चैरिटी ट्रस्ट द्वारा पटना में इंडियाज राइजिंग स्टार अवार्ड से सम्मानित किया गया है। नीतीश कुमार के अचानक तबियत बिगड़ने से रद्द हुए सभी कार्यक्रम। नीतीश कुमार की अचानक बृहस्पतिवार को तबियत खराब होने से उनके सारे कार्यक्रम को रद्द कर दिया गया। वे पटना वेटनरी कॉलेज स्थापना दिवस समारोह और गया में प्रारंभ होने वाला पितृपक्ष मेले की तैयारी का मुआयना करने के लिए जाने वाले थे। ऑफिस में ड्रेस को लेकर लागू हुई शर्तें। बिहार सरकार ने ड्रेस को लेकर सख्त नियम लागू किए हैं। अब कोई भी ऑफिस में जीन्स और टी शर्ट पहनकर नहीं जा सकेगा। सरकार ने अब इस पर रोक लगा दी है और औपचारिक ड्रेस पहनकर आने का निर्देश दिया है। केंद्रीय टीम करेगी निरीक्षण बिहार के बाढ़ प्रभावित इलाकों में। 7 सदस्यीय केंद्रीय टीम अब उत्तर बिहार के बाढ़ प्रभावित इलाकों का निरीक्षण करेगी। जानकारी के अनुसार यह कार्यक्रम 3 दिनों का है और इस दौरे की शुरुआत सीतामढ़ी से की जाएगी। शो के दौरान दीपक कुमार हुए घायल। बिहार के मुजफ्फरपुर जिला के दीपक ठाकुर, जो बिग बॉस से पॉपुलर हुए थे, विकास गुप्ता के शो एस ऑफ स्पेस 2 में एक टास्क को निभाने के दरमियान उनके कंधों पर चोट लगी और वे अस्पताल में भर्ती हैं। फिलहाल उनकी हालत ठीक है। मोदी ने शुरुआत की फिट इंडिया अभियान। दिल्ली में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने फिट इंडिया अभियान प्रारंभ की। उन्होंने कहा, फिट इंडिया अभियान को जन व्यापक बनाया जाए। फिटनेस केवल शब्द नहीं है बल्कि स्वस्थ जीवन जीने की शर्त है। वन रक्षी बहाली रिजल्ट हुआ जारी। बिहार पर्यावरण वन एवं जलवायु परिवर्तन विभाग के अधीन वन रक्षी के चयन के लिए परीक्षा आयोजित की गई थी, जिसका रिजल्ट आ गया है। इस रिजल्ट को आप cbse.bih.nic.in वेबसाइट पर जाकर देख सकते हैं। गुंजन सक्सेना के 3 पोस्टर हुए रिलीज। गुंजन सक्सेना प्रोड्यूसर करण जौहर की फिल्म में द कारगिल गर्ल का फर्स्ट लुक सोशल मीडिया पर आ गया है। एक्ट्रेस जानवी कपूर ने इस फिल्म के 3 पोस्टर शेयर किए हैं। यह फिल्म 13 मार्च 2020 को रिलीज होगी। पैरा वर्ल्ड चैंपियनशिप के मेडलिस्ट को इनाम मिले 1.82 करोड़ रुपए। बैडमिंटन की पैरा वर्ल्ड चैंपियनशिप में जीत हासिल करने वाले मेडलिस्ट खिलाड़ियों को 1.82 करोड़ रुपए इनाम के रूप में मिले हैं। प्रधानमंत्री ने इन्हें ट्वीट करके बधाई दी है। भारतीय खिलाड़ियों ने चैंपियनशिप में 12 मेडल हासिल किए हैं। बिहार के वैज्ञानिकों ने आविष्कार किया एंटीबायोटिक के विकल्प। पटना के अतुल कुमार वर्मा और उनकी पत्नी डॉक्टर वीना वैज्ञानिकों की 7 सदस्यीय टीम में शामिल थे। उनकी टीम ने पुराने एंटीबायोटिक विकल्प के रूप में ओमाडा साइक्लिन और सारे साइक्लिन का आविष्कार किया है। सिवान के महाराजगंज में हुआ सड़क उद्घाटन। जदयू विधायक हेम नारायण साह ने सिवान जिले के महाराजगंज प्रखंड के सारंगपुर पंचायत के शाहपुर गाँव में नवनिर्मित सड़क का उद्घाटन किया है। इस सड़क को बनाने में कुल 1,25,624 रुपए खर्च हुए हैं। नाबालिग के गाड़ी चलाने पर पुलिस लेगी अब 25,000 फाइन। 1 सितंबर से लागू होने वाले मोटर वाहन अधिनियम के तहत अब कोई भी नाबालिग ड्राइव करते हुए पकड़ाता है तो 25,000 का फाइन लगेगा और साथ ही जुबेनाइल जस्टिस एक्ट के तहत मामला दर्ज होगा और वाहन का रजिस्ट्रेशन भी रद्द हो जाएगा।
दरोगा बहाली प्रक्रिया को लेकर होगा विरोध। दरोगा बहाली प्रक्रिया को लेकर पूर्व सांसद पप्पू यादव अपनी जन अधिकार पार्टी के छात्र परिषद के साथ 30 अगस्त को बीएनएमयू का घेराव करेंगे। पुनपुन यादव, जाप छात्र प्रदेश महासचिव के अनुसार सरकार छात्रों के साथ अन्याय कर रही है। बिहार के रवि कुमार मिश्रा ने साहू फिल्म में गाया यह गाना। बिहार राज्य के पटना से रवि कुमार मिश्रा ने श्रद्धा कपूर और प्रभास की आने वाली फिल्म साहू में एलियसा मेंडोंसा के साथ बेबी वोंट यू टेल मी गाना गाया है। इस गाने के बोल, सपनों के राहों में यूं आज तुमसे उलझे हैं हमसे शुरुआत होती है। पटना में भूमि अधिग्रहण के विरोध में है किसान। किसान द्वारा भूमि अधिग्रहण का विरोध किया जा रहा है। यह विरोध पटना के नौबतपुर में SH-78 सड़क निर्माण के लिए भूमि अधिग्रहण के विरोध में है। किसानों का कहना है कि उनके जमीन की कीमत सरकार ने 3,000 रुपए प्रति डिसमिल लगाई है। पटना में आयोजित हुआ स्वस्थ बिहार समृद्ध बिहार। पटना में स्वस्थ बिहार समृद्ध बिहार कार्यक्रम का आयोजन हुआ। बिहार के स्वास्थ्य मंत्री मंगल पांडे ने कहा है कि आने वाले समय में 9 सरकारी और 5 निजी अस्पताल खुलेंगे। 5 वर्षों में यहां 28 मेडिकल कॉलेज की स्थापना की जाएगी। राजभवन मांग रहा एकेडमिक का हर रिकॉर्ड। राजभवन BRA बिहार विश्वविद्यालय के एकेडमिक रिकॉर्ड का ब्यौरा मांग रही है। विश्वविद्यालय को 6 साल का एकेडमिक रिकॉर्ड का पूरा ब्यौरा मांगा है। वोकेशनल व प्रोफेशनल कोर्स के एडमिशन और रिजल्ट तक के हर एक रिकॉर्ड की मांग की है। नदियों के तटबंध पर बनाई जाएंगी पक्की सड़कें। अब 57 किलोमीटर लंबे सड़क का निर्माण गंडक तटबंध पर मुजफ्फरपुर जिले के पारू के फतेहाबाद से वैशाली के हदसारगंज तक किया जाएगा। सड़क का 29.16 किलोमीटर भाग मुजफ्फरपुर जिले में है और बाकी के सड़क वैशाली जिले में होंगे। मुंगेर के ASP लिपि सिंह के खिलाफ RJD। RJD के प्रवक्ता और विधायक वीरेंद्र ने दिल्ली में पत्रकारों से बातचीत करने के दरमियान लिपि सिंह के खिलाफ कार्रवाई करने की मांग की है। 24 सितंबर से सेना बहाली के लिए शुरू होगा ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन। 25 नवंबर को मुजफ्फरपुर आर्मी भर्ती बोर्ड द्वारा चक्कर मैदान में 14 दिन के बीच सेना की 5 श्रेणियों के लिए बहाली प्रक्रिया होगी। इसके लिए सेना की वेबसाइट www.joinindianarmy.nic.in पर अभ्यर्थी आगामी 24 सितंबर से 7 नवंबर की मध्य रात्रि तक ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। जानिए आज के मौसम का हाल। औरंगाबाद, छपरा, फरबिसगंज, भागलपुर, गया, मधुबनी, मोतिहारी, मुजफ्फरपुर, नालंदा, पटना, पूर्णिया में अंशतः बादल छाए रहेंगे। धूल भरे हवा और गर्जना के साथ बारिश होने की संभावना है। आज के लिए बस इतना ही। बाकी सारे अपडेट्स के लिए हमारे साथ बने रहे, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो लाइक करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। धन्यवाद।